दोस्तों बहुत दिनों से एक मूवी बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसका नाम मेंशन किया जा रहा था कि उसका नाम है प्रोजेक्ट के, बट कल रात को 3 बजे कुछ ग्लिम्स रिलीज हुए हैं प्रोजेक्ट के। दोस्तों उस मूवी का नाम रिवील हो चुका है, अब उस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के ना हो गए, नाम है कल की 2898 AD। यस, ये मूवी होने वाली है फ्यूचर की, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन एंड दीपिका पादुकोण होने वाले हैं। दोस्तों ग्लिम्स देखने के बाद मुझे सच में लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी फ्यूचरिस्टिक मूवी देखने वाला हूं, क्योंकि इसके ग्लिम्स इतने अल्टीमेट हैं। कुछ ऐसे हैं जो दिखने में थोड़ा से ऑकवर्ड लग रहे हैं, जैसे कि जब प्रभास का जब फेस रिवील होता है इसके अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो किसी AI से, आजकल जो AI चल रहा है उस AI से बनाया हुआ है, बट हो सकता है मैं भी इसमें गलत हूँ। और कुछ एक शॉट थे इसमें वॉर के ऊपर, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कार्डबोर्ड के हथियार बना देते हैं ना, शायद वो कार्डबोर्ड से बनाए हुए हथियार थे। बट मैं ये इससे दो चीज़ें देखने के बाद मैं नहीं बोलूँगा कि ओवरऑल ग्लिम्स अच्छे नहीं लगे हैं, जिसमें कि जब अमिताभ बच्चन को रिवील किया जाता है इसके अंदर, शायद लोगों ने इसको उनको ढंग से देखा नहीं है, जो पट्टियों से रैप होते हैं दैट्स अमिताभ बच्चन, तो वो शायद इसके अंदर अश्वत्थामा प्ले करने वाले हैं। और इसमें मेन विलन है कमल हसन, और दीपिका पादुकोण इसमें क्या मतलब हीरो के साथ हैं या विलन के साथ हैं, ये तो हमें टीजर या ट्रेलर के बाद देखने के बाद एक्चुअली पता लगेगा। लेकिन ये फोर्स हो रहा है कि हमारे जो हीरो हैं वो प्रभास हैं, जब उनकी एंट्री होती है स्लाइड करते हुए स्लो मोशन के अंदर, इट्स अल्टीमेट। तो ये 2-4 शॉट ही थे, बट दिखने में लग रहा है दोस्तों कि फ्यूचरिस्टिक मूवी है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगा है इस मूवी के अंदर। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है। हालांकि इसमें कमल हसन को अभी रिवील नहीं किया गया है, तो हो सकता है ये हो नहीं, वो ये टीजर या ट्रेलर में दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ इस टीजर ट्रेलर और मूवी को देखने के लिए। आप कितना एक्साइटेड हैं वो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज राहुल चौधरी एंड यू आर वॉचिंग फिल्मी नजरिया।